तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं, अभी एक पहले वीडियो आई थी, थोड़ी बहुत पहले आई थी एक तरह से मान लो, मेरी हैपिंग टिप्स की। तो उसका आज पार्ट टू बनने जा रहा है, ठीक है। पार्ट टू के अंदर दो तो मैं वही रखूँगा, दो आप वही देखना, और तीन मैं नए लाया हूँ तो अभी तक मैंने भी करके नहीं देखे है, तो सीधा आपके सामने करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या है उसमें से। एक दो चली जाने चाहिए, चल। हाँ तो गाइस, एक सेकंड, कौन हो रही है ना। तो हम खोलेंगे सबसे पहले अभी। हाँ, मेरे पास अभी विंडोज 10 है, वो इसलिए विंडोज 10 है क्योंकि अभी हमारा कंप्यूटर देखो खराब हो गया था, वो बताया ही मैंने कल के ब्लॉग में, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर लिख रखे है, लर्न नहीं है ना मेरे को, इसके अंदर भी रखे हैं। तीन नहीं, सॉरी दो ही लाया हूँ मैं, नहीं तीन लाया हूँ। तो पिछली बार थोड़ा बड़ा दिख रहा था, इस बार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा अभी लिखा हुआ टेक्स्ट। सबसे पहली ट्रिक हम करेंगे अपनी पुराने वाली जो मेरे को अच्छे से याद है, COLOR स्पेस, टू भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, थ्री भी लिख दो, ठीक है। फिर DIR/S, ठीक है, ये पूरे पे हो गया। पर ये थोड़ा ऐसे करके चलाना, बड़ा करके, तब देखना कैसा लगेगा। अब हम फिर से करते हैं दूसरी, ये वाली। अब हम नई वाली करते हैं कोई, ये चलो एक और पुरानी करते हैं जो मैंने रखी हुई है, वो वाली ट्री वाली, याद होगा आपको, उसके अंदर COLOR बेस टू, मतलब वो जो भी है, और फिर था हमारा CD.. फिर एंटर, CD.. एंटर, DRW, ठीक। जी ऐसे खोल लिया हमने, बढ़िया है ना। अब हम करते हैं हमारी सबसे पहली ट्रिक, सबसे पहले करते हैं हम थोड़ी छोटी वाली। सबसे पहले हम कर लेते हैं तो लॉर्ड ए, इसके हम एक तो वैसे वो होता भी तो नहीं ना, अब गलत हो गया तो फिर पूरे दिन मिटाना होता है। फिर हम डालेंगे एंड का साइन, एंड ये वाला साइन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे CRUL, क्रल, सॉरी यहाँ पे स्पेस आएगा, CRUL क्रल, पे पैरट,
डॉट लाइव। नी बात करी, एक और करते हैं। कोई नहीं कर रही यार, कौन करते हैं? यार कोई भी नहीं कर रही, तो तीन करी तीनों। देखो भाई लिखी हुई थी यहाँ पे, क्या करूँ, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपको एक और चीज बता देता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज की चीज है ये। टास्क मैनेजर में जाना सबसे पहले, फिर यहाँ पर जाना परफॉर्मेंस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा परफॉर्मेंस लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो अब टाइम देखना, तो कब से चल रहा है मेरा कंप्यूटर, 18 घंटे 24 मिनट और 30 सेकंड इतनी देर से मेरा कंप्यूटर वर्किंग है और मुझे नहीं पता, ठीक है। इसकी सेटिंग है एक, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वो भी बताऊंगा अभी नहीं, कल बताऊंगा, वो कल वाले ब्लॉग में, ठीक है। नहीं कल वाले में नहीं, देखता हूँ कब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। पर इसकी सेटिंग या बता दूं, पर मेरे को भी देख के आनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ये देखो ग्राफ देखो आप, पर ये बड़ा बंद कैसे होएगा? ये बंद कैसे होएगा? अब इसको करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, पर मेरे को भी देख के आना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। जी तो मैंने सीख लिया है, ठीक है। तो हाँ थोड़ा स्वयं में बोल दिया, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से शट डाउन करने से ये आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है या लैपटॉप बंद हो जाता है, तो आप गलत हो, ये रॉन्ग नंबर है। आपको क्या करना है, आपको चेक करने के लिए जाना है टास्क मैनेजर पे, जो कि मैंने सारा प्रोसेस बता चुका है, ठीक है। और मेरा खुद का पीसी, खुद का 18 घंटे 27 मिनट, मतलब 28 मिनट से चल रहा है लगभग, ठीक है। अब उसको ठीक कैसे करना है, ठीक करने के लिए मैं आप बताता हूँ। जाओ कंट्रोल पैनल में, डबल एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, थोड़ा रुको, यहाँ पे जाओ पार, पहले ऑप्शन में पार ऑप्शन ये वाला, इस पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जाओ, हाँ, यहाँ पे देखो ये आ रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं ना वो कर दूंगा बड़ा, ठीक है। चूज व्हाट द पावर बटन डू, ठीक है।
इस पे जाना, देखो पावर बटन, मैंने प्रेस दी पावर बटन, इसके अंदर आपको शट डाउन ही करके रखना है, ऐसे ना कुछ नहीं लगेगा, ठीक है? ठीक है, स्लीप पे जाऊं तो आप इसके अंदर टर्न ऑफ डिस्प्ले कर सकते हो, ओके स्लीप कर सकते हो आप ये, ठीक है? अब एक सेकंड, यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन दबाया, एक ऑप्शन आया था, हाँ चेंज द सेटिंग दैट आर करेंटली अनअवेलेबल, ठीक है? ये यहाँ पे ये है, इसके अंदर जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ना, टर्न ऑन फास्ट सेटअप, ये बंद कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं को एक बार अपने पापा को दिखाना है कि देखो मैंने क्या खोज के निकाला है, तो ये दिखाना है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। हाँ पर बाद में करूँगा, ठीक है? ये मैं अभी करूँगा। और तो बाकी मैं आपको क्या ही बताऊँ, एक सेकेंड सेकेंड सेकेंड, यहाँ पर कोई ऐसी चीज भी तो है ना, क्या करें, एक काम करते हैं अपनी वीडियो खोलते हैं, तो मेरी गाड़ी के नया वाला, गाड़ी के नया वाला, इसका थंबनेल चेंज करूंगा जी। तो अब हम बनाएंगे एक रिएक्शन वीडियो, कल, आज नहीं कल, इस वाली पे बनाएंगे, ठीक है? और इस वाली पे चलो आज उसकी बनाते हैं, आज तो गाइस ये मत समझना कि मैंने ये भूल चुका हूँ ये वाला सीन,
याद है मेरे को, हाँ डाल लूंगा, पर वो पेपर वाली बात भी तो आपको याद है ना जी। एक तो मैं कल बनाऊंगा इस पे, ठीक है, इस पे और इस पे, ये दोनों एक ही उसके ब्लॉग टॉपिक के लगभग। एक मैं बनाऊंगा इस पे, क्या कल नहीं, मतलब 2-4 पार्ट्स होंगे ना उसके, इसलिए। और एक मैं बना देता हूँ इस पे, मतलब बैडमिंटन वाले तो सारी बना दूंगा। और किस पे बना सकते हैं, इस पे तो बनाने का फायदा नहीं है, तो खुद 35 मिनट की है। हाँ इस पे बना सकते हैं, किस पे बना देंगे, ठीक है, डन गाइस। 3 वीडियो 4 वीडियो सेलेक्ट कर ली हमने, आपको एक एक दिन के ऐसे ऐसे गैप गैप में मिलती रहेगी सारी वीडियोस, तो एंजॉय करना। अभी के लिए यहीं पर खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको लोग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और ये बताना टिप कैसी लगी जो मैंने अभी आपको कंप्यूटर की दी।